दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। एस्ट्रो तक को देखने के लिए तक ऐप जरूर डाउनलोड करें, साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दीपावली के पर्व की। दीपावली का पर्व है और कहीं ना कहीं ये जो समय होता है बहुत ही खास होता है, पूजा आराधना के लिए, धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ खुशियों के लिए, खुशियों का आगमन करने के लिए। तो किस तरह से आज के दिन हम करेंगे आपके जीवन में खुशियों का आगमन, जानेंगे और कौन से वो खास उपाय होंगे जो कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। धन लक्ष्मी का आगमन होगा आपके घर में, इस विषय पे चर्चा करेंगे। दीपावली से संबंधित किसी भी विषय में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें इस समय पे कमेंट कर सकते हैं। मैं लाइव हूँ और अपना कमेंट जो है आप हमें फेसबुक यूट्यूब दोनों पे ही कर सकते हैं। और दीपावली से संबंधित या आने वाले जो पर्व है यानी भाई दूज और विश्वकर्मा डे, अगर इनसे संबंधित भी कोई आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं अपना प्रश्न या विधि जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मी पूजन की। लक्ष्मी पूजन जो है आज के दिन किया जाता है, साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना भी की जाती है, आप सभी जानते हैं। वहीं पे लक्ष्मी जी के महा उपाय, लक्ष्मी पूजन की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, मगर वहीं पे अगर हम बात करें महा उपाय की तो बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो आपके जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं। आज की जो तिथि होती है यानी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि होती है बड़ी दीपावली पर, और वहीं पे इस तिथि की अगर बात की जाए तो ये तिथि बेहद खास होती है पूरे वर्ष भर में, क्योंकि ये जो समय होता है इस समय पर अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं और कुछ खास उपाय करते हैं तो वो आपको बहुत अधिक फल देते हैं। तो किस तरह से लक्ष्मी पूजन करेंगे ये तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे उपाय। तो उपाय की अगर हम बात करें, बहुत छोटे छोटे उपाय की बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़े और बहुत भारी उपाय जो है लोग कर भी नहीं पाते हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामग्री इकट्ठी करने में, एकत्रित करने में दिक्कत आती है, या कहीं ना कहीं हमारे मन में अलग अलग तरह के थॉट्स आ जाते हैं करें या ना करें। तो बहुत ही सरल उपाय करेंगे जो कि आपकी रसोई घर से ही हो सकते हैं, यानी रसोई घर में ही आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ही सरलता से मिल जाएंगी ताकि आप ये जो दीपावली है वो खुशियों वाली मना सके। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके घर में किस तरह से आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। आज के दिन, आज के दिन आप गंगा जल और गुलाब जल ये दोनों ही जल मिक्स कर लें, इसके साथ साथ इसमें थोड़े से गुलाब की जो है पंखुड़ियां डाल दें। अब वहीं पे थोड़े से अक्षत डाल दें और संभव हो तो इस जल को चांदी के पात्र में लें। अब वहीं पे ये जो जल होगा इसको आप हर घर के कोने में ओम लक्ष्मी नारायणे नमः का मंत्र का जप करते हुए आप हर घर के कोने में इसका छिड़काव करें। पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट होगी, यानी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, साथ ही साथ लक्ष्मी माता जो है वो आपके घर में आएंगी, स्थिर रहेंगी। तो ये जो है इससे आप अपने घर को एनर्जाइज कर ले। वहीं पे दूसरी चीज आपको करना क्या है, अपने घर में या अपने घर की छत पर आप जो है चारों कोनों में दीपक आज के दिन जरूर जलाएं। रंगोली बनाने का अपना ही महत्व माना जाता है दीपावली के दिन, मगर वहीं पे जब हम रंगोली की बात करते हैं तो साज सजावट की अपने आप ही बात हो जाती है। तो इसलिए रंगोली जरूर बनाएं मुख्य द्वार पे और साथ साथ दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं, और इसके अलावा आप जो है अपने जहां पर भी आप पानी रखते हैं अपनी रसोई घर में, यहाँ पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, वहीं पे आपके घर में खुशहाली और सकारात्मकता बनी रहेगी। हम रंगोली जो है इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं, आप देखते होंगे रंगोली में हम कलर्स का जो कलर से ही रंगोली बनती है, और ये जो कलर्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। वहीं
वहीं पे आज के दिन ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, ब्लैक कलर का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें दान की, तो दान करना आज के दिन बहुत खास होता है। एक तो अमावस्या की तिथि होती है, कार्तिक मास होता है, तो दान का भी अपना ही महत्व बढ़ जाता है। तो दान किस तरह से करेंगे, आज के दिन आप अनाज दान कर सकते हैं, अन्न चावल दान कर सकते हैं। वहीं पे देखा जाए तो आज के दिन यदि आप किसी भी व्यक्ति को फल दान करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं आने वाले जीवन में खुशी खुशहाली के फल जरूर प्राप्त होते हैं। तो आज के दिन दान जरूर करें, वस्त्र आज के दिन आप दान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये चीनी मिष्ठान आप दान कर सकते हैं, ये चीजें जरूर आज के दिन दान करें। वहीं पे अगर हम बात करें कि आपको क्या कुछ खास करना है, तो आज के दिन आप जो है पीपल के वृक्ष पे जल जरूर चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष पे माना जाता है कि भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी का, भगवान शिव का वास होता है, तो इसीलिए आज के दिन पीपल के वृक्ष पे सुबह के समय जल जरूर अर्पित करें। संध्या काल में दीपक जरूर जला के आए पीपल के वृक्ष के पास, साथ साथ थोड़े से खीर बताशे भी जरूर रख करके आए। वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से सभी तरह की जो नकारात्मकता है वो बाहर चली जाए और आपके घर में सकारात्मकता है, तो आज के दिन एक रोटी बनाएं। रोटी को चार भागों में बांट दें। आप चार भागों में बांटेंगे तो एक भाग जो है वो गौ माता को दें, एक भाग कौओं को खिलाएं, एक भाग चींटियों को दें। अब चींटियों को कैसे देंगे, इसमें बूरा रख करके, चीनी रख करके, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं ताकि चींटियां इसको खा ले। और चौथा भाग जो होगा इस पे आप थोड़े से खील बताशे रख करके एक दीपक के साथ अपने घर के आसपास जो चौराहा है, यानी चौराया जो है, वहां पर इसको रख आए ताकि आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाए। ये खास उपाय आज के दिन जरूर करें। वहीं पे माता लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना हो, तो माता लक्ष्मी की ओर प्रसन्न करने के लिए आज के दिन हल्दी, साथ साथ धनिया, कमल गट्टे साथ और सात गोमती चक्र माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से वर्ष भर आपके घर में धन लक्ष्मी बनी रहेगी। वहीं पे आज के दिन जो है हरियाली घर में लाना बहुत खास होता है, तो अगर आज के दिन आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपके जीवन में हरियाली आती है, साथ साथ आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ बुध भी जो है वो आपको शुभ फल देने लग जाता है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम बात करें हरे रंग की, तो हरे रंग का जो संबंध माना जाता है वो बुध ग्रह से माना जाता है। वहीं पे अगर आज के दिन आप हरियाली अपने घर में लगाते हैं, मनी प्लांट अपने घर में लगाते हैं, या फिर अगर धनिया लगाते हैं अपने घर में, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। पैसों की अगर आपको तंगी आ रही है, आर्थिक स्थिति में अगर दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ये सभी दिक्कत परेशानियां जो है समाप्त होंगी। तो इस तरह से आज के दिन प्लांट्स घर में लगाना, यानी पौधे घर में लगाना भी बहुत ज्यादा खास रहेगा। इसके अलावा आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन माता लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र और साथ साथ भगवान विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। वहीं पे गणेश जी को पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें और साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती को एक गुलाब के पुष्प की माला जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे वो समाप्त होंगे, धन लक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि ये त्योहार ही धन लक्ष्मी की प्राप्ति का त्योहार है, और साथ साथ आपके घर में खुशियों का भी आगमन होगा। तो ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय आज के दिन घर में जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल छोटे छोटे ये उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी और वर्ष भर तक खुशियां ही खुशियां लगी रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले उपाय की, तो आपको करना क्या है, आज के दिन नई झाड़ू जरूर खरीद करके लेके आए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। झाड़ू की, नई झाड़ू की आज के दिन पूजा जरूर करें। पूजा कैसे करेंगे, झाड़ू पर हल्का सा कुमकुम लगा करके और उसकी पूजा जरूर करें। उसके बाद उसको घर में एक बार जरूर फिराएं माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति जो है वो जरूर आएगी। अब वहीं पे हम बात करें माता लक्ष्मी जी की, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करें। कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें और साथ साथ गणेश चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वहीं पे भगवान विष्णु जी का नाम जरूर लें, क्योंकि जहां पर भगवान
भगवान विष्णु जी का वास होता है वहां पर, माता लक्ष्मी अपने आप चल करके आती है, तो इसलिए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं, वहीं पे लक्ष्मी जी के भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम कमले कमलाय नमः, ओम कमले कमलाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं, या कमल गट्टे की माला पे 41 यानी 41 माला जो है आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा तंगी हो रही है, कर्ज में आप डूबे हुए हैं, तो इन सब चीजों में आपको राहत मिलेगी। वहीं पे आज के दिन हल्दी की कांठों की भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, यानी कि दीपावली पूजन के समय जो है आप हल्दी की गांठे जरूर दीपावली पूजन के दौरान रखें और उसको अपने धन तिजोरी के अंदर रख दें पूरे भर के लिए, ताकि आपके जीवन में एक तो बृहस्पति जो ग्रह है वो आपका स्ट्रांग हो जाए आपकी कुंडली में, वहीं पे आपके जीवन में हर तरह से नकारात्मकता समाप्त हो, वहीं पे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपको धन से संबंधित परेशानियां भी ना आए। तो ये कुछ खास उपाय हैं, छोटे छोटे, और भी उपाय जानेंगे अभी थोड़ी ही देर में, प्रश्न लेना आरंभ करेंगे। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल तो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। तो चलिए प्रश्न लेना आरंभ करते हैं हम फेसबुक और यूट्यूब से। प्रश्न आया है हमारे पास, लोकेश दीक्षित का, और इन्होंने पूछा है 19 सितंबर को GIC PGT प्री का एग्जाम दिया, रिजल्ट को लेके बहुत टेंशन हो रही है इनको, कब तक आएगा और कैसा रहेगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 25 मई 1993 की। वहीं पे अगर हम स्थान की बात करें तो अरई यूपी इनका स्थान है। देखिए रिजल्ट जो है पॉजिटिव आने की संभावना बन रही है, मगर केवल 70 से 80%, यानी 20% अगर हम मान के चले, तो कहीं ना कहीं आपके सितारे लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं चीजों को पलट सकते हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्लियर, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, करना क्या है, गुड़ का दान आप लाल रंग के वस्त्र में लपेट करके रविवार के दिन करें, सूर्य देव की उपासना करें। इस समय पर सूर्य देव की उपासना बहुत खास रहेगी, क्योंकि छठ का पर्व भी आ रहा है और ये समय सूर्य देव की उपासना करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसीलिए सूर्य देव की उपासना जरूर करें, सूर्य के मंत्रों का जप करें, ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रश्न लेंगे हम अगला,
लोकेश जी, आपको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, और जितने भी दर्शक हमारे साथ इस समय पे जुड़े हुए हैं, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न आया है हमारे पास जसविंदर सिंह, जसविंदर सिंह जस्सी के नाम से पूछ रहे हैं कि इनका आगे का टाइम कैसा रहेगा। देखिए, आगे की अगर समय की बात करें, आगे का समय आपका काफी हद तक अच्छा रहने की संभावना है, मगर कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्थ को लेकर के अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता है। ये हम आपको एक जनरल प्रश्न कुंडली से बता रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी डिटेल्स हमें नहीं भेजी है, तो प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग जो आपका प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले टाइम में आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर वैसे हम ऑल ओवर देख के चलें तो आपका जो समय रहेगा आने वाला काफी हद तक अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करेंगे इस समय पर बात करेंगे इस समय पर। आज दीपावली का दिन है तो हर कोई चर्चा जरूर करता है लक्ष्मी पूजन के समय की। तो
तो समय की चर्चा करते हुए हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त की कि लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, शाम को 6:10 से लेकर के 8:06 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान जो है आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, और वहीं पे अगर देखा जाए तो अपने घर में इस समय पे दीपक जलाने का भी यही समय खास रहेगा। लगभग 1:55 तक का समय है, इस समय पर आप लक्ष्मी पूजन जरूर कीजिएगा। वहीं पे अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल जो रहेगा 5:34 से लेकर के रात के 8:10 तक का रहेगा। तो इस दौरान भी आप जो है पूजा कर सकते हैं। अब बात करें अगर स्थिर लग्न की, क्योंकि स्थिर लग्न जो होता है या तो वो सिंह लग्न में अगर मुहूर्त पड़ रहा हो या फिर वृषभ लग्न में मुहूर्त पड़ रहा हो, तो वृषभ काल में अगर हम बोले तो आप जो पूजा कर सकते हैं वो 6:10 से लेकर के रात के 6:08 तक कर सकते हैं। स्थिर लग्न है और इस समय पर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। वहीं पे लक्ष्मी पूजन अगर आप रात्रि काल में करते हैं यानी महानिशीत काल में अगर आप करते हैं तो 11:38 यानी 11:38 PM से लेकर के 12:30 AM तक का रहेगा। यानी लगभग 11:38 रात्रि से और सुबह 12:30 तक का समय रहेगा। 52 मिनट का समय होगा केवल। इस समय पर आप माता महाकाली की पूजा और लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि समय जो है ये जो आपका पूजन का समय रहेगा, इस दौरान जो आपकी पूजा है वो बहुत ही सरल तरीके से किस तरह से करनी है, तो माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और साथ ही साथ माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना जरूर करें। माता लक्ष्मी जी को कमल जरूर अर्पित करें या फिर कमल गट्टे की माला जरूर अर्पित करें। वहीं पे माता लक्ष्मी को जो है आप सफेद मिष्ठान खीर बनाकर भी भोग में लगा सकते हैं। वहीं पे माँ सरस्वती का 40 का पाठ जरूर करें आज के दिन, और उनको पीले और सुनहरे के पुष्प जरूर अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा और गेंदे के पुष्प अर्पित करें। मोदक या फिर लड्डू आप जरूर भोग में लगाएं। गणेश 40 का पाठ करें या फिर अथर्वशीष का पाठ करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना काफी हद तक लाभकारी साबित होगा। वहीं पे माता लक्ष्मी की अगर बात कर रहे हैं तो भगवान विष्णु जी की बात क्यों ना हो, भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना करें। संभव हो तो ऐसा चित्र लेकर के आए जिसमें भगवान विष्णु जी के पांव दबा रही हूँ माता लक्ष्मी। ऐसा चित्र अगर आप लेकर के आते हैं तो माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपके घर में स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर विष्णु जी विश्राम करते हैं माता लक्ष्मी उनके चरण स्पर्श करती हैं, उनके चरण दबाती हैं, तो वहां पर माता लक्ष्मी भी विश्राम में आ जाती है। तो इसलिए ऐसा चित्र जरूर लेकर के आए। और आप जो आज के दिन माता लक्ष्मी को ऐसे चित्र में या ऐसी प्रतिमा में लेकर के आए जिसपे माता लक्ष्मी कमल पे विराजमान हो, ना कि खड़ी हुई हो। खड़ी हुई लक्ष्मी का चित्र लगाना आज के दिन का अर्थ होता है कि आपके घर में लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को अधिक चंचल माना जाता है, इसीलिए लक्ष्मी चंचल होती है। अगर आप माता लक्ष्मी को विश्राम वाली पोजीशन में लेकर के आते हैं तो काफी हद तक आपके लिए खास होता है। तो हमने बात करी दीपावली के पूजन की। वहीं पे अगर हम बात करें आपके प्रश्नों की तो प्रश्न हम लेने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आया है हमारे पास, लोकेश जी का प्रश्न लेंगे। लोकेश जी का प्रश्न आया है कि इनके नाना जी की तबीयत काफी खराब है, आईसीयू में एडमिट है, कब तक ठीक हो जाएंगे? कि जल्द ही ये वापस आ जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और पूर्ण रूप से देखें तो लगभग 1 से 1.25 महीने में ही ठीक हो जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट बाय द ईयर एंड ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपको इस चीज को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न आया है हमारे पास, विश्वजीत रक्षित का प्रश्न आया है। ये जुड़े हैं, स्थान भेजा है, समय भेजा है इन्होंने,
10 बजे का रात्रि का, और साथ ही साथ उन्होंने जो तिथि भेजी है वो भेजी है 21 सितंबर 1989। ये इस लाइव सेशन का हम अंतिम प्रश्न लेंगे, और इनका प्रश्न है हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है। देखिए हेल्थ अभी आपको दिक्कत परेशानी आएगी, आपकी जो हेल्थ है जून के बाद स्टेबल होगी। अभी अप्स एंड डाउन्स हेल्थ को लेकर के आते रहेंगे, धीरे धीरे इसको स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय पर संभव हो तो आप जो है चंदन का प्रयोग जरूर करें, चंदन को अपने माथे पर लगाएं, और संभव हो तो योगा और मेडिटेशन जरूर करें, धीरे धीरे आपकी हेल्थ जो है स्टेबल हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप सभी दर्शकों से लूंगी मैं इजाजत, आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशियों भरी ये दीपावली हो, आपके घर में खुशियों का आगमन। देखते रहिए एस्ट्रो तक, नमस्कार, जय श्री राम।